उज्जैन शहर पहुंचे कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और उसके बाद कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से चर्चा की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर की कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने अलग अलग पूजा की। सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव आए और बाबा महाकाल की पूजा की और फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से चर्चा की। कुछ देर बाद युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी पहुंचे और उन्होंने भी महाकाल की पूजा की। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके साथ थे। एक साथ उज्जैन शहर में दो कांग्रेस नेताओं के आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में उत्साह दिखा। नेताओं ने आगामी कार्यक्रम पर बातचीत की। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए, आज किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था और किस प्रकार से पूजा अर्चना रही और क्या रहा? आदरणीय विक्रांत भूरिया जी का उज्जैन आगमन था। वहाँ पर वो मंदसौर जा रहे थे, उस बीच में उन्हें महाकाल बाबा के दरबार में अर्जी लगाई। जो कोरोना महामारी चल रही है इसके लिए उन्होंने संकल्प छुड़ाया और बाबा महाकाल आदरणीय बाबा महाकाल से ये प्रार्थना करी कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, लोगों पर आर्थिक विपत्तियाँ और ये स्वास्थ्य के लेकर जो ये गंभीर बीमारियाँ चल रही हैं, इसके लिए उन्हें पूजा अर्चना करिए और बाबा महाकाल से प्रार्थना करिए कि इन सब रोकर निरोगी और सबके दुख दर्द दूर करें। फिर किस और आने वाले समय में जिस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं, चर्चाएं हैं, विरोध वगैरह, उसको लेकर क्या रणनीति रही और कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से मांग वगैरह चर्चा क्या रही? आज नरेंद्र जी कांग्रेस की ओर से एक सर्कुलर जारी करा गया था, इसमें किसानों के प्रति एक श्रद्धांजलि सभा रखनी थी। उसके लिए आज 12 बजे शहर कांग्रेस कार्यालय पर यूथ कांग्रेस जिला द्वारा श्रद्धांजलि सभा करी गई है और सारे लोग जिले के यहाँ पर उपस्थित हुए, मजबूत रूप से श्रद्धांजलि लोगों को दिए और किसानों की जो लड़ाई लड़ रही है आगे लड़ती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।